ठीक है दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम ज्योग्राफी का कार्टोग्राफी में अगला चैप्टर लेके आए हैं, विमीय आरेख। क्या है विमीय आरेख? देखो यहाँ पर मैं कुछ आरेखों का डिस्कशन करूँगा आपके साथ, और ध्यान रहे चाहे आप नेट जेरफ की तैयारी करो और चाहे कॉलेज लेक्चरर की, जो मैं ये विमीय आरेख पढ़ाऊँगा आपको, ये वाला टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% टपकेगा। लिख के ले लो, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। और यहाँ पर एक मैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी डिस्कस करूँगा इसके अंदर, जो तो बिल्कुल 100% पूरे चांस है वहाँ से वो क्वेश्चन बनने का, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं विमीय आरेख के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊँ विमीय आरेख क्या होता है, कि इसके लिए कुछ ज्यामिति या आकृतियाँ, विमीय आरेख इसके लिए कुछ ज्यामिति या आकृतियाँ, जैसे दंड है, आयात है, वर्ग है, घन है, वृत्त है, गोल है, आदि का प्रयोग किया जाता है। किस किस का? दंड है, आयत है, वर्ग है, घन है, वृत्त है, गोले हैं, आदि का प्रयोग किया जाता है। विमीय आरेख इसके लिए कुछ ज्यामिति या आकृति, कैसी ज्यामिति आकृति, मतलब ज्योमेट्रिक आकृति। मैंने कल पढ़ाया था आपको, कल परसों के दिन बताया था मैंने ज्योमेट्रिक के बारे में, कि जिसमें त्रिभुज, वृत्त, घन, घना, गोले, दंड आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे हम ज्यामितीय बोलते हैं, ठीक है। तो विमीय आरेख इसके लिए कुछ ज्यामितीय आकृति, जैसे दंड है, आयत है, वर्ग है, घन है, वृत्त है, गोले हैं, आदि का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ज्यामितीय आकृति के अधिक से अधिक 3 विमाएं होती हैं। भाई साहब, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो उसमें अधिक से अधिक 3 विमाएं होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिश्रित दंड आरेख के बारे में। किसके बारे में? मिश्रित दंड आरेख के बारे में। देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं, सब कुछ याद करने का है, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज वाली स्थिति है, तो उनको आप कंपेयर करके पढ़ना, जितना होगा उससे ज़्यादा मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिश्रित दंड आरेख, कंपाउंड बार डायग्राम, ठीक है। तो मिश्रित दंड आरेख, इसका सबसे पहले तो दूसरा नाम पढ़ लो, अंतःविभाजित दंड आरेख। क्या? अंतःविभाजित दंड आरेख। तो मिश्रित दंड आरेख को अंतःविभाजित दंड आरेख भी कहते हैं, ये बात अपने खोपड़े में सेट कर लो। क्या सेट करना है? कि मिश्रित दंड आरेख को अंतःविभाजित दंड आरेख भी कहते हैं। इसके द्वारा आंकड़ों का कुल योग एवं उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है। मिश्रित दंड आरेख द्वारा क्या किया जाता है? मिश्रित दंड आरेख के द्वारा आंकड़ों का कुल योग, टोटल नंबर ऑफ, तथा उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है। मिश्रित दंड आरेख द्वारा क्या किया जाता है? आंकड़ों का कुल योग और उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसीलिए मिश्रित दंड आरेख को क्या बोलते हैं? अंतःविभाजित दंड आरेख, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम पढ़ते हैं अगला, क्या क्या पढ़ते हैं आगे? आगे पढ़ते हैं द्विदिशा दंड आरेख। क्या पढ़ते हैं अब? द्विदिशा दंड आरेख। तो इसके बारे में देखो, यदि पदमाला में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के आंकड़े दिए गए हो, तो उन्हें द्विदिशा दंड आरेख के द्वारा दिखाया जाता है। द्विदिशा दंड आरेख, इसमें क्या होता है भाई साहब? धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरीके के आंकड़े इंक्लूड होते हैं। जब भाई साहब किसी भी, यदि पदमाला में प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, दोनों तरीके के आंकड़े उपलब्ध होंगे, मतलब धनात्मक प्लस, ऋणात्मक माइनस, दोनों तरीके के आंकड़े उपलब्ध होंगे, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, दो दिशाएं बन गई, एक धनात्मक दिशा बन गई और एक ऋणात्मक दिशा बन गई। एक क्या बन गई? ऋणात्मक दिशा, और एक क्या बन गई? धनात्मक दिशा। तो द्विदिशा दंड आरेख, जब पदमाला में या जब समष्टि में पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के आंकड़े दिए होते हैं, तो उसे द्विदिशा दंड आरेख कहा जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ो। इस प्रकार दो परस्पर विरोधी गुणों वाले समंकों का प्रदर्शन इस दंड चित्र द्वारा किया जाता है। क्या होता है? कि दो परस्पर विरोधी गुण वाले
किसके? दो परस्पर विरोधी गुण वाले समंकों का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? दंड चित्र के द्वारा किया जाता है। किसका? दंड चित्र के द्वारा किया जाता है। दोबारा सुन लो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार दो परस्पर विरोधी गुणों वाले समंकों का प्रदर्शन किससे किया जाता है? दंड चित्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? दंड चित्र द्वारा किया जाता है। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर आयात और निर्यात, अभी मैंने ऊपर लाइन बोली थी कि जब पदमाला में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़े हो तो उस स्थिति में हम द्वि दिशा दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। भाई साहब, यदि किसी देश से कोई सामान बाहर जा रहा है तो मतलब नेगेटिव हो रहा है, किसी देश से कोई सामान आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी देश से कोई सामान आ रहा है, किसी देश से कोई सामान जा रहा है, तो यदि किसी देश से कोई सामान आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव है, किसी देश से सामान जा रहा है तो मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आयात और निर्यात को यदि हम दंड आरेख द्वारा दिखाएं तो उसके लिए हम कौन सा आरेख यूज करेंगे? द्वि दिशा दंड आरेख। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं थोड़ा, और अब हम पढ़ते हैं बहुदंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? बहुदंड आरेख। अरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनो, यदि पदमाला में स्थान एवं समय के अनुसार, यदि पदमाला में स्थान एवं समय के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के आंकड़े दिए गए हो, यदि पदमाला में स्थान, यदि पदमाला में स्थान एवं समय के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के आंकड़े दिए गए हो तो उसे तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुदंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। अरे प्यारे साथियों, जब किसी पदमाला में स्थान एवं समय के अनुसार दो या दो से अधिक आंकड़े हो, मतलब बहुदंड, बहुत सारे आंकड़े हैं वहाँ पर, जो आंकड़ों की संख्या है वो दो या दो से अधिक है, और यदि स्थान व समय के अनुसार दो या दो से अधिक आंकड़े होते हैं तो उसे हम बहुदंड आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है? तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब मैं समझाता हूँ प्यारे साथियों, ये मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर। एक है एग्जाम्पल क्या, ध्यान से सुनना, भारत में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता दर का प्रदर्शन। अरे प्यारे साथियों, हम स्त्री और पुरुष साक्षरता, ये दो क्या हो गए यहाँ पर, फैक्टर हो गया, और तीसरा क्या हो गया, भारत। तो कितने फैक्टर हो गए? एक भारत हो गया, एक स्त्री हो गया, एक पुरुष हो गया, तो इस तरीके से क्या हो गए, टोटल तीन आंकड़े हो गए। क्या हो गए? टोटल तीन आंकड़े हो गए। तो क्या हो गया यहां पर, टोटल तीन आंकड़े हो गए। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक आंकड़ों को हम दिखाना हो तो हम उसका किसका प्रयोग करेंगे, इस स्थिति में बहुदंड आरेख का प्रयोग करेंगे। अब देखो भाई साहब, ध्यान से सुनो, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि फसलें तथा विभिन्न उद्योगों के उत्पादन या किसी क्षेत्र में विभिन्न वर्षों में परस्पर संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करना। ध्यान से सुनो, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि फसल तथा विभिन्न उद्योगों के उत्पादन या किसी क्षेत्र में विभिन्न वर्षों में परस्पर संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन। यदि आपको देखो, यहाँ पर कृषि फसल एक आंकड़ा हो गया, विभिन्न उद्योगों का उत्पादन दूसरा आंकड़ा हो गया, किसी क्षेत्र में तीसरा आंकड़ा हो गया, विभिन्न वर्षों में चौथा आंकड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आंकड़े हो गए? दो या दो से अधिक आंकड़े हो गए। तो इस तरीके से यदि आपको कहीं पर भी दो या दो से अधिक आंकड़े दिखें और उनमें आपको यदि तुलनात्मक अध्ययन करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? बहुदंड आरेख का प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ पर पुरुष साक्षरता, स्त्री साक्षरता, दो आंकड़े, तीसरा आंकड़ा आ गया भारत में, किसमें? भारत में। तो कितने आंकड़े हो गए? दो या दो से अधिक आंकड़े हो गए। और इसी कारण जो बहुदंड आरेख है उसे तुलनात्मक आरेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलनात्मक आरेख भी कहते हैं, कंपैरेटिव डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलनात्मक आरेख या कंपैरेटिव डायग्राम भी कहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ो,
अब हम पढ़ते हैं पिरामिड आरेख। किसके बारे में? पिरामिड आरेख के बारे में। अरे प्यारे साथियों, इन आरेखों की आकृति किसके समान होती है? पिरामिड के समान होती है। पिरामिड कैसा आकार का होता है? एक त्रिभुज के आकार का होता है। कैसा होता है पिरामिड? एक त्रिभुज के आकार का होता है। तो पिरामिड ये आरेख को पिरामिड आरेख क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति एक पिरामिड के समान है। अब थोड़ा आगे पढ़ो। आयु, वर्ग व लिंग संरचना को प्रदर्शित करने के लिए प्राय इसका प्रयोग किया जाता है। अरे भाई साहब, यदि आयु दिखानी है, वर्ग दिखाना है, लिंग संरचना दिखानी है, मतलब एज बतानी है कि किस किस एज के लोग हैं, वर्ग दिखाना है कि जैसे हमने बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था तीन में डिवाइड कर दिया, लिंग संरचना दिखानी है, मतलब मेल है, फीमेल है या फिर दोनों के बीच का है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हमें आयु, वर्ग, लिंग संरचना ये आपस में दिखाना है तो इस स्थिति में हम पिरामिड आरेख का प्रयोग करेंगे। साक्षरता से संबंधित आंकड़ों को भी इसी आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अरे भाई साहब, साक्षरता से संबंधित यदि हमें आंकड़े दिखाने हैं, यदि हमें साक्षरता दर बहुत सही ढंग से दिखानी है तो उसके लिए हम पिरामिड आरेख का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, पिरामिड आरेख में क्या हो रहा है, साक्षरता में क्या करेंगे हम? पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, एवरेज साक्षरता, फिर वो भारत की साक्षरता है या किसी स्टेट की साक्षरता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे आंकड़े इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो आयु, वर्ग, लिंग संरचना या फिर साक्षरता, इन सभी को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिरामिड आरेख का किया जाता है। और ध्यान रखना, बात फिक्स कर लो, पिरामिड आरेख एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अरे प्यारे साथियों, संरचना के आधार पर पिरामिड आरेख को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में? टोटल तीन भागों में। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। तो ध्यान से सुन लो, संरचना के आधार पर पिरामिड को टोटल तीन भागों में विभाजित किया गया। अब बताता हूँ आपको आगे की बात। तीन भाग कौन कौन से? यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारी बार पूछ चुका है। पिरामिड आरेख के तीन प्रकार लिख देता है इस तरीके से, सरल पिरामिड आरेख, अध्यारोपित पिरामिड आरेख, ठीक है। इस तरीके से तीनों पिरामिड आरेखों का नाम लिख देता है, सामने उनकी विशेषता लिख देता है और कहता है कि अब मिलान करो, ठीक है। तो हमें इन पिरामिड आरेखों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा डीपली पढ़ना है और थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। सरल पिरामिड आरेख, सिंपल पिरामिडल डायग्राम, किसी एक स्थान या एक वर्ष से संबंधित पिरामिड आरेख सरल आरेख है, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो कोई एक स्थान होता है या फिर कोई एक वर्ष होता है, ठीक है। सरल पिरामिड आरेख में क्या हो रहा है, या तो एक स्थान होता है या फिर एक वर्ष होता है, ठीक है। और यदि ऐसी स्थिति आए जिसमें या तो एक स्थान हो या एक वर्ष हो तो उसे हम किसके द्वारा दिखाएंगे, सरल पिरामिड आरेख के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं अध्यारोपित पिरामिड। किसके बारे में? अध्यारोपित पिरामिड के बारे में। अरे प्यारे साथियों, ये क्या है अध्यारोपित पिरामिड आरेख? अरे देखो रे मेरे प्यारे साथियों, जब कहीं दो स्थानों अथवा एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न वर्षों में आयु, वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों की तुलना करनी हो। ध्यान से सुनो, एक बार आंख बंद कर लो और अब मेरी बात सुनो। जो अध्यारोपित पिरामिड आरेख होता है उसमें दो स्थितियां बनती है, या तो एक स्थान होता है और वर्ष अलग अलग होते हैं, दो वर्ष भी हो सकते हैं, तीन वर्ष भी हो सकते हैं, चार वर्ष भी हो सकते हैं, पाँच वर्ष भी हो सकते हैं, आयु भी अलग अलग हो सकती है, वर्ग भी अलग अलग हो सकता है, मतलब या तो एक स्थान या अलग अलग वर्षों में आयु, वर्ग या लिंग, या फिर अलग अलग स्थान एक ही आयु, वर्ग, लिंग, ठीक है। दो स्थिति बन रही है, या तो स्थान एक हो रहा है या फिर आयु, लिंग, वर्ग संरचना एक हो रही है। जब स्थान एक होगा तो आयु, वर्ग, लिंग संरचना है वो अलग अलग होंगी, और जब आयु, वर्ग, लिंग संरचना एक होगी तो स्थान अलग अलग होगा। और जब ऐसी स्थिति आती है तो उसे हम किसके द्वारा दिखाते हैं, अध्यारोपित पिरामिड आरेख के द्वारा। अब हम आगे बात करते हैं मिश्रित पिरामिड आरेख। किसके बारे में? मिश्रित पिरामिड आरेख के बारे में, कंपोज्ड पिरामिडिकल डायग्राम, मिश्रित पिरामिड आरेख।
अब इसको देखो प्यारे साथियों ध्यान से, बहुत गजब की बात है यहाँ पर, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और अब प्यारे साथियों, आयु वर्ग लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के अन्य लक्षणों की तुलना करने के लिए मिश्रित पिरामिड आरेख का प्रयोग किया जाता है। और अब मिश्रित पिरामिड आरेख में क्या है, आयु वर्ग लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के और जितने भी लक्षण हैं उन सभी की यदि हमें तुलना करनी है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मिश्रित पिरामिड आरेख का। मिश्रित पिरामिड आरेख का प्रयोग हम कब करेंगे कि जब आयु वर्ग लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के अन्य समस्त लक्षणों को दिखाना है तो उस स्थिति में हम मिश्रित पिरामिडी आरेख का उपयोग करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ो, देखो बहुत प्यारी बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। जो मिश्रित पिरामिड आरेख होता है उसकी आकृति कैसी होती है, सोपान नुमा होती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से सोपान नुमा होती है, ठीक है, इस तरीके से सोपान नुमा आकृति होती है। दोबारा बना रहा हूँ मैं, इस तरीके से सोपान नुमा आकृति होती है। किसकी, मिश्रित पिरामिड आरेख की। आरेख के भिन्न भिन्न सोपान किसी स्थान या क्षेत्र की भिन्न भिन्न वर्षों में कुल जनसंख्या को प्रकट करते हैं। जो आरेख में अलग अलग सोपान हैं वो सभी अलग अलग सोपान किसी स्थान या किसी क्षेत्र की अलग अलग वर्षों में कुल जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। दोबारा से ध्यान से सुन लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आरेख के भिन्न भिन्न सोपान, जो अलग अलग सोपान है वो किसी स्थान या क्षेत्र के भिन्न भिन्न वर्षों में कुल जनसंख्या को प्रकट कर रहे हैं। अब मैं भाई साहब इन तीनों पिरामिड आरेखों को एक साथ समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले उठाओ सरल पिरामिडी आरेख। किसको, सरल पिरामिडी आरेख, किसी एक स्थान या एक वर्ष से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन है। सरल पिरामिडी आरेख में क्या होता है, या तो एक स्थान होता है या एक वर्ष होता है। तो किसी एक स्थान या एक वर्ष से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन सरल पिरामिडी आरेख कहलाता है। और यदि हम आगे बात करें अध्यारोपित पिरामिड आरेख, किसके बारे में, अध्यारोपित पिरामिड आरेख के बारे में, तो किन्हीं दो स्थानों या एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न वर्षों में आयु वर्ग लिंग का अनुपात क्या होता है। अध्यारोपित पिरामिड में क्या होता है, या तो किन्हीं दो स्थानों या एक ही स्थान पर अलग अलग वर्षों में आयु वर्ग लिंग संरचना का प्रदर्शन। और तीसरा है मिश्रित पिरामिड आरेख, विभिन्न सोपानों की सहायता से विभिन्न वर्षों में कुल जनसंख्या का प्रदर्शन। मिश्रित पिरामिड आरेख में क्या है, विभिन्न सोपानों की सहायता से, किसकी सहायता से, विभिन्न सोपानों की सहायता से विभिन्न वर्षों में कुल जनसंख्या का प्रदर्शन किस में होता है, मिश्रित पिरामिड आरेख में होता है। तो इस तरह से जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, वो मेरे प्यारे साथियों इनको तो रट लो, पिरामिड आरेख को रट लो, चाहे कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करो और चाहे नेट जेआरएफ की तैयारी करो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बहुत बहुत गजब तरीके से इनको पढ़ो, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे पढ़ते हैं हम कौन सा टॉपिक, इसी में बिल्कुल कंटिन्यू रह रहे हैं। और अब हम पढ़ेंगे, देखो वन मिनट, वन मिनट प्लीज। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कटिबंध वक्र, जॉन कर्व। देखो कटिबंध वक्र क्या होता है, समझने का कुछ नहीं है, केवल याद करने का है थोड़ा, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। जब किसी चर के अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों के अलग अलग वक्र खींचकर उन्हें उनके बीच के स्थान को किसी रंग से भर देते हैं तो छायांकित क्षेत्र या छायांकित कर देते हैं तो इसे कटिबंध वक्र कहते हैं। कटिबंध वक्र में क्या होता है भाई साहब, कि जब किसी चर के, किसके, जब किसी चर के अधिकतम व न्यूनतम
किसके, जब किसी चर के अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों के अलग अलग वक्र खींचे जाते हैं तथा उनके बीच का जो भाग है, जो स्थान है, उसको रंग से भर दिया जाता है, उसको छायांकित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, उसको छायांकित कर दिया जाता है, उसको रंग से भर दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, कटिबंध वक्र कहते हैं। दो अलग अलग वक्र बनाए गए और इनके बीच का जो ये भाग था, इसको क्या किया, अलग अलग रंगों के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, इसको अलग रंग के द्वारा भर दिया गया। इन दो वक्रों के बीच के खाली जगह थी, खाली स्थान था, उसको क्या कर दिया गया, कलरफुल कर दिया गया, इसको रंग से भर दिया गया, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कटिबंध वक्र कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़कर अब हम चलते हैं पट्टीदार वक्र। क्या पढ़ते हैं हम, पट्टीदार वक्र पढ़ते हैं भाई साहब। ये क्या होता है, अरे प्यारे साथियों, पट्टीदार वक्र क्या पढ़ने वाले हैं, पट्टीदार वक्र। तो अब इसको ध्यान से पढ़ो, पट्टीदार वक्र को ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी जहाँ क्वेश्चन नहीं बनने का चांस वो हम नहीं पढ़ाते। पट्टीदार वक्र क्या होता है, ध्यान से सुनो दो लाइनों में। जब काल श्रेणी टाइम सीरीज पर आधारित समंक कई भागों में विभक्त हो तो उनके चित्र में प्रदर्शन के लिए पट्टीदार वक्र का प्रयोग किया जाता है। अरे जब काल श्रेणी पर आधारित समंक कई भागों में विभक्त हो तो उनके चित्र में प्रदर्शन के लिए, किसके लिए, चित्र में प्रदर्शन के लिए पट्टीदार वक्र का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से ध्यान से सुनो, पट्टीदार वक्र कि जब काल श्रेणी पर आधारित समंक कई भागों में विभक्त हो तो उनके चित्र में प्रदर्शन के लिए पट्टीदार वक्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे, इस आरेख के द्वारा काल श्रेणी पर आधारित आंकड़ों के विभिन्न उपविभागों एवं उनके योग को प्रदर्शित किया जाता है, इसे मिश्रित रेखा आरेख भी कहते हैं। अरे इस आरेख के द्वारा क्या किया जाता है, काल श्रेणी पर आधारित, किस पर आधारित, काल श्रेणी पर आधारित आंकड़ों के विभिन्न उपविभागों, किसको, आंकड़ों के विभिन्न उपविभागों एवं उनके गुण या उनके योग को प्रदर्शित किया जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, मिश्रित रेखा आरेख कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुन लो, इस आरेख के द्वारा काल श्रेणी पर आधारित, किस पर, काल श्रेणी पर आधारित आंकड़ों के विभिन्न उपविभागों एवं उनके योग को प्रदर्शित किया जाता है, और इसे मिश्रित रेखा आरेख या कंपाउंड लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हम, इस लाइन को पढ़ो, विभिन्न फसलों का विभिन्न वर्षों में उत्पादन को इस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न फसलों का विभिन्न वर्षों में उत्पादन को इस वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा से सुनो, विभिन्न फसलों का विभिन्न वर्षों में उत्पादन को इस वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं रेखा चित्र, ये क्या है भाई साहब, रेखा चित्र क्या है, लाइन डायग्राम क्या है, इसको भी ध्यान से सुनो। इन शब्दों में ही इस लाइन डायग्राम को मैं अच्छे से बता दूंगा। जब संबंधित पद मूल्यों की संख्या अधिक हो एवं न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों का अनुपात कम हो, जब संबंधित पद मूल्यों की संख्या तो अधिक है, यहाँ पर जो पद मूल्य हैं उनकी संख्या अधिक है तथा न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्यों के बीच का जो अनुपात है वो कम हो। तो रेखा चित्र कब बनाया जाता है, जब संबंधित पद मूल्यों की संख्या अधिक हो तथा अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों का अनुपात कम हो। इसमें रेखाओं की लंबाई के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, किसके द्वारा, ध्यान से सुनो, इसमें रेखाओं की लंबाई के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसमें रेखाओं की लंबाई के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। प्राय रेखा उदग्र होती है, उदग्र का मतलब होता है खड़ी, प्राय रेखा खड़ी होती है लेकिन क्षैतिज भी हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी सारी रेखाएं खड़ी हों, हो सकता है कुछ रेखाएं क्षैतिज भी हों, कैसी हों, क्षैतिज भी हों। तो मेरे साथ एक बार दोबारा से पढ़ लो इन लाइनों को,
रेखा चित्र लाइन डायग्राम क्या होता है? जब संबंधित पद मूल्यों की संख्या अधिकतम हो तथा अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्यों का अनुपात कम हो, इसमें रेखाओं की लंबाई के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा रेखाएं प्राय उदग्र होती हैं एवं क्षैतिज भी होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सरल दंड चित्र, सिंपल बार डायग्राम। देखो सरल दंड चित्र में क्या होता है, पद मूल्यों, ध्यान से सुनना, सरल दंड चित्र, सरल दंड चित्र, सिंपल बार डायग्राम, पद मूल्यों के अनुपात में ऊंचाई को लंबाई भी बोलते हैं तथा समान चौड़ाई मोटाई वाले चित्र सरल दंड चित्र कहलाते हैं। इन चित्रों में दंडों के बीच समान अंतर रहता है। सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड चित्र, पद मूल्यों के अनुपात में ऊंचाई का मतलब है लंबाई, तथा समान चौड़ाई मतलब मोटाई वाले चित्र सरल दंड चित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरल दंड चित्र कहलाते हैं। और इन चित्रों में दंडों के बीच क्या होती है? समान अंतर होता है। इन दंडों के बीच में क्या होता है? इस तरीके से ये समान अंतर होता है। क्या होता है? दंडों के बीच समान अंतर होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम पढ़ते हैं तारा आरेख। किसके बारे में? तारा आरेख के बारे में, स्टार डायग्राम के बारे में, कि स्टार डायग्राम क्या है, तारा आरेख क्या है। तो सबसे पहले तो देखो तारा आरेख के नाम, सबसे पहले पढ़ो तारा आरेख क्या होता है, स्टार डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तारा आरेख या स्टार डायग्राम पढ़ते हैं। देखो मैं इसके पहले आपको उपनाम बता दूं कि तारा आरेख को और क्या क्या नाम बोलते हैं। तो देखो तारा आरेख का नाम है घड़ी आरेख, जिसको क्लॉक डायग्राम बोलते हैं, रोज आरेख, वेक्टर आरेख। घड़ी आरेख, रोज आरेख, वेक्टर आरेख और तारा आरेख, ये चारों के चारों नाम क्या हैं? बिल्कुल समान है। चाहे तारा आरेख बोल दो, चाहे घड़ी आरेख बोल दो, चाहे रोज आरेख बोल दो और चाहे वेक्टर आरेख बोल दो। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक बात सेट कर लो कि तारा आरेख, वेक्टर आरेख, रोज आरेख और घड़ी आरेख चारों क्या हैं? बिल्कुल सेम है। अब देखो इन आरेखों के द्वारा मूल्यों को केंद्र से भी संबंधित दिशाओं में सरल रेखाओं को खींचकर प्रदर्शित किया जाता है। इस आरेख में क्या होता है, एक तारा बनाया जाता है। तारा किस तरीके से बनता है, तारा कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है, ऐसा ही होता है तारा, बिल्कुल इस तरीके से। स्टार, हम स्टार नहीं बनाते जब कॉपी में लिखते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से स्टार बनाया जाता है, तारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इन आरेखों के द्वारा, किनके द्वारा? इन आरेखों के द्वारा मूल्यों को केंद्र से भी संबंधित दिशाओं में सरल रेखाओं को खींचकर प्रदर्शित किया जाता है। इन आरेखों के द्वारा क्या होता है, मूल्यों को केंद्र से भी संबंधित दिशाओं में सरल रेखाओं में खींचकर प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से केंद्र से चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में खींचकर प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है तारा आरेख। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज का जो वीडियो रहेगा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। एक तो पिरामिड आरेख, पिरामिड आरेख को अच्छे से पढ़ लो, एक तारा आरेख इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एक आगे और आएगा जिसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तारा आरेख का, मैं बता देता हूँ। देखो पवनों की बारंबारता, पवनों के बहने की दिशा, व्यापार की दिशा, व्यापार कौन कौन सी दिशा में हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, ठीक है, इसको दिखाने के लिए। विभिन्न दिशाओं में जनसंख्या का स्थानांतरण, जैसे जयपुर की ओर जनसंख्या आ रही है, दिल्ली की ओर जनसंख्या आ रही है, बिहार से भी आ रही है, राजस्थान से भी आ रही है, पंजाब से भी आ रही है, गुजरात से भी आ रही है, महाराष्ट्र से भी आ रही है, उड़ीसा से भी आ रही है, आसाम से भी आ रही है, अरुणाचल प्रदेश से भी आ रही है। कहाँ आ रही है? दिल्ली में आ रही है। ठीक है, जैसे मुंबई की बात की जाए, मुंबई में जनसंख्या कहाँ से आ रही है? राजस्थान, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, सभी जगह से क्या आ रही है? जनसंख्या आ रही है। तो क्या बन रहा है? एक स्टार की तरह बन रहा है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में यातायात का प्रवाह, जैसे भाई साहब ये क्या है? बस स्टैंड है। बस स्टैंड से क्या हो रहा है? विभिन्न दिशाओं में यातायात का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। यहाँ से इस स्टेशन से एक गाड़ी गुजरात जा रही है, एक दिल्ली जा रही है, एक बम्बई जा रही है, एक मुंबई कोलकाता जा रही है, एक केरल जा रही है, एक कर्नाटक जा रही है, एक जम्मू कश्मीर जा रही है, एक हिमाचल प्रदेश जा रही है, एक अरुणाचल प्रदेश जा रही है, एक आसाम जा रही है। मतलब
एक स्टेशन से गाड़ियाँ चारों दिशाओं में जा रही हैं, तो क्या बन रहा है, एक स्टार की तरह बन रहा है, इसलिए इसको हम स्टार डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। देखो एक सिंपल सी बात और है, साधारण पवन आरेख, सिंपल विंड डायग्राम एक प्रकार का तारा आरेख है। जो साधारण पवन आरेख है ना भाई साहब, वो भी एक प्रकार का क्या है, तारा आरेख है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि पवन को दिखाने के लिए, पवन की दिशा को दिखाने के लिए, व्यापार को दिखाने के लिए कौन सा आरेख का प्रयोग किया जाता है, ट्रैफिक को दिखाने के लिए कौन सा आरेख का प्रयोग किया जाता है, तो इन सभी स्थितियों में तारा आरेख का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब भाई साहब इसको भी जितनी लाइन खींच सको ना इसके आगे उतनी खींच दो, त्रिकोणाकार आरेख बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणाकार आरेख 10वें नंबर का है आज का आरेखों में, त्रिकोणाकार आरेख कौन सा है, त्रिकोणाकार आरेख, ट्रिंगुलर डायग्राम। अब देखो इसको पढ़ते हैं हम, सबसे पहले त्रिकोणाकार आरेख के बारे में पढ़ो कि त्रिकोणाकार आरेख कौन सा, त्रिकोणाकार आरेख को समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। जो त्रिकोणाकार आरेख होता है वो कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। कैसा होता है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है, इस तरीके का होता है, जिसके जो तीनों कोण हैं वो क्या हैं, बिल्कुल समान है। ये भी 80 डिग्री का, 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, मतलब जो तीनों कोण हैं वो कैसे हैं, समान हैं। त्रिकोणाकार आरेख को त्रिआधारी आरेख या त्रिकोणाकार ग्राफ भी कहते हैं। जो त्रिकोणाकार आरेख है उसे त्रिआधारी आरेख या त्रिकोणाकार ग्राफ भी कहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ो, देखो पेपर में देखे जाए ना तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसमें, यहाँ से ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि मृदा की संरचना को दिखाने के लिए कौन से ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या की आयु संरचना को दिखाने के लिए कौन से ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, नगरों की आर्थिक संरचना को दिखाने के लिए कौन से ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो देख लो, मृदा की संरचना, रेत सिल्ट मृतिका का अनुपात, मृदा की संरचना किसकी, मृदा की संरचना रेत सिल्ट मृतिका का अनुपात, नगरों की आर्थिक संरचना प्राथमिक गौण व टर्शरी के अनुपात, जनसंख्या की आयु संरचना युवा प्रौढ़ वृद्धों का अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए त्रिकोणाकार आरेख का प्रयोग किया जाता है। भाई साहब मृदा की संरचना, रेत सिल्ट मृतिका की अनुपात, जैसे जो मृदा होती है उसकी संरचना, उसमें रेत कितनी मात्रा में, सिल्ट कितनी मात्रा में, उसमें मृतिका किस अनुपात में है, इसको दिखाने के लिए नगरों की आर्थिक संरचना कि वहाँ पर जो किसी भी नगर में जो लोग रह रहे हैं उनमें से कितने लोग हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, कितने लोग हैं जो द्वितीयक स्तर के क्रियाकलाप करते हैं, कितने लोग हैं जो तृतीय स्तर के क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है, कितने लोग हैं जो चतुर्थ स्तर का क्रियाकलाप करते हैं, तो इनका वर्गीकरण किसके द्वारा दिखाया जाता है, त्रिकोणाकार आरेख द्वारा। जनसंख्या की आयु संरचना कि भाई साहब युवावस्था में कितने लोग हैं, प्रौढ़ावस्था के कितने लोग हैं और वृद्धावस्था के कितने लोग हैं, उनको दिखाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो त्रिकोणाकार आरेख का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, मिट्टी की संरचना, नगरों की आर्थिक संरचना और जनसंख्या का आयु संरचना अनुपात। ठीक है, उसके बाद देख लो, इसके द्वारा उन समस्त आंकड़ों का प्रदर्शन किया जा सकता है जिन्हें प्रतिशत में तीन घटकों में बांटकर लिखा गया है, और इसके द्वारा भाई साहब जो त्रिकोणाकार आरेख है उसके द्वारा उन समस्त आंकड़ों का प्रदर्शन बहुत आसानी से किया जा सकता है जिन्हें प्रतिशत में तीन घटकों में बांटकर लिखा गया है। किसमें, जिन्हें प्रतिशत में तीन घटकों में बांटकर लिखा गया है उन समस्त आंकड़ों का प्रदर्शन इसके द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मेरे साथ एक बार देखो, सबसे पहले तो आपको त्रिकोणाकार आरेख बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, इसको रट लेना है, किसको, त्रिकोणाकार आरेख को रट लो प्यारे साथियों, क्या कर लो, रट लो, दिमाग में सेट कर लो कि त्रिकोणाकार आरेख से क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा, त्रिकोणाकार आरेख से क्वेश्चन पूछेगा, अपने दिमाग में सेट कर लो। त्रिकोणाकार आरेख, इसको क्या क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है, इसे त्रिआधारी आरेख कहते हैं, इसे त्रिकोणाकार आरेख कहते हैं। इसका उपयोग तीन स्थिति में किया जाता है, मृदा की आंतरिक संरचना, नगरों की आर्थिक संरचना और आयु और जनसंख्या की आयु संरचना, इनको दिखाने के लिए त्रिकोणाकार ग्राफ का प्रयोग करते हैं। उसके यदि बात बात की जाए तारा आरेख, इसको भी रट लो, तारा आरेख को क्या क्या बोलते हैं, घड़ी आरेख कहते हैं, रोज आरेख कहते हैं, वेक्टर आरेख कहते हैं,
ठीक है, इसमें क्या बनता है, एक तारा बनता है, मतलब क्या बनता है, एक तारा बनता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, आदान प्रदान एक स्थान से होता है। सपोज डैट ये दिल्ली है, ये कोई बस स्टैंड है, गाड़ियाँ यहाँ आएंगी चारों तरफ से चक्कर काट कर, और गाड़ियाँ यहाँ से ही जाएंगी। तो चाहे गाड़ियों का जाने का देखो और चाहे आने का देखो, बस स्टैंड के चारों तरफ क्या बनता है, एक स्टार बनता है, ठीक है। जैसे ये एयरपोर्ट है, यहाँ से फ्लाइट जाएंगी चारों दिशाओं में, यहाँ पर फ्लाइट आएंगी चारों दिशाओं से, किसे, चारों दिशाओं से। तो इसलिए यह क्या बन जाता है, ये भी उसी तरीके से क्या बन जाता है, एक तारा आरेख बन जाता है। क्या बन जाता है, तारा आरेख बन जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, हवा है चारों दिशा में फैल रही है, ये क्या है, कोई निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। तो हवा चारों तरफ से इस निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर आएगी। सपोज डैट यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, तो हवा चारों तरफ जाएगी किधर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो इस क्षेत्र से हवा चारों तरफ जाएगी यदि इस क्षेत्र का वायुदाब कैसा है, उच्च है, और यदि इस क्षेत्र का वायुदाब निम्न है तो चारों तरफ से हवाएं केंद्र की ओर आएंगी, ठीक है। तो तारा आरेख को रट लो। तारा आरेख का प्रयोग कौन कौन सी स्थिति में किया जाता है, जनसंख्या का स्थानांतरण, दिशाओं, विभिन्न दिशाओं में यातायात प्रवाह, व्यापार की दिशा और पवनों की बारंबारता। फिर भाई साहब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन, पिरामिड आरेख। कौन सा, पिरामिड आरेख। और पिरामिड आरेख में भाई साहब इसको रट लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका आकार पूछ लेता है कई बार कि पिरामिड या आकार किस तरीके का होता है, एक पिरामिड के समान होता है, और पिरामिड कैसा होता है, एक त्रिभुज से संबंध रखता है, मतलब त्रिभुज के जैसा होता है पिरामिड, ठीक है। पिरामिड आरेख के द्वारा क्या क्या दिखाया जाता है, आयु, वर्ग, लिंग संरचना को प्रदर्शित करने के लिए प्राय इसका प्रयोग किया जाता है। साक्षरता से संबंधित आंकड़ों को दिखाने के लिए भी पिरामिड आरेख का प्रयोग किया जाता है। रचना के आधार पर पिरामिड आरेख तीन प्रकार का होता है। सरल पिरामिड, इसमें या तो एक स्थान या एक आयु, वर्ग, लिंग संरचना दिखाई जाती है। दूसरा होता है अध्यारोपित पिरामिड आरेख, इसमें या तो एक स्थान होता है तो आयु, लिंग संरचना भिन्न भिन्न होती है, या फिर एक आयु लिंग संरचना होता है तो स्थान भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात करें मिश्रित पिरामिड आरेख, मिश्रित पिरामिड आरेख में भाई साहब आयु, वर्ग, लिंग संरचना के अतिरिक्त जनसंख्या के अन्य लक्षणों की भी तुलना करके मिश्रित पिरामिड आरेख का उपयोग किया जाता है। मिश्रित पिरामिड आरेख के भाई साहब जब आपको आयु, लिंग संरचना के अलावा और भी जो अन्य लक्षण है जनसंख्या के उनको प्रदर्शित करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे, मिश्रित पिरामिड आरेख का प्रयोग करोगे। इसका आरेख की आकृति कैसी होती है, तो मिश्रित पिरामिड आरेख कैसा होता है, एक सोपान के आकार का होता है। कैसा होता है, एक सोपान के आकार का होता है, ठीक है। मिश्रित पिरामिड आरेख की ये जो तीन बातें हैं इनको अच्छे से रट लो भाई साहब, सरल पिरामिड आरेख, अध्यारोपित पिरामिड आरेख और मिश्रित पिरामिड आरेख, इन तीनों को अच्छे से रट लो। आरेख के भिन्न भिन्न सोपान किसी स्थान या क्षेत्र की भिन्न भिन्न वर्षों में कुल जनसंख्या को प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे सारा के सारे मानचित्र सांख्यिकी से संबंधित आंकड़े थे जो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन, क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, और प्रक्षेप की क्लास हमारी स्टार्ट होगी रात को 10 बजे। तो आपने यदि नहीं देखा है तो रात को 10 बजे आ जाना लाइव, हम प्रक्षेप पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन, मैप प्रोजेक्शन। नेट जीआरएफ में तो है नहीं ये, लेकिन कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में है ये, ठीक है। तो मैप प्रोजेक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।